जैसे घी है देसी, देसी घी कोई हम किसी को दे रहे हैं और वो देसी घी के पैसे दे रहा है और हम उसमें डालडा की अगर मिलावट कर दें तो वो बहुत बड़ा धोखा है। ग्राहक ही बताता है हमें कि आपके प्याज लेके गए एक 50 किलो के बैग में एक प्याज भी गड़ा नहीं, और हमने किसी रिक्शा रेडी वाले से लिए 5 किलो 2.5 किलो उसमें से गड़ गया, 2.5 किलो हमने खाया और आपसे आधा रेट लिया था लेकिन वो 2.5 किलो खराब हो गया तो डबल तो वैसे ही हो गया आपके रेट हो गए, और जो खाया 2.5 किलो वो रासायनिक खाया तो क्या लाभ हुआ। ऑर्गेनिक खेती में ईमानदारी की मिसाल है दिल्ली के जोंती गांव के किसान कुलदीप सिंह। ये अपने 14 एकड़ के खेत में अनाज दालें और फल उगाते हैं, ये देसी गाय भी रखते हैं और पूरी ईमानदारी से केमिकल फ्री शुद्ध चीजें उपभोक्ताओं को देते हैं। किसान जो है ना प्रोसेसिंग करे मुनाफा ज्यादा मिलेगा। जैसे मेरा नींबू का बाग था तो मैं नींबू बेचता तो आमदनी कम होती, मैंने अचार डाल के अगर बिक्री की है तो आमदनी इसकी बड़ी है। ऐसे ही सरसों का तेल है, अगर सरसों बेचता लेकिन उसमें आमदनी कम होती, हमने सरसों का तेल निकाला है बिक्री किया तो इसमें आमदनी हमारी बड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने है देखिए ये अचार है, 4 तरह के नींबू के, सरसों का तेल है, अनाज है, चने, गेहूँ और मूंग और प्याज। ये सारी चीजें मेरे साथ बैठे किसान कुलदीप सिंह ने अपने खेतों में उगाई हैं और प्रोसेस की हैं पूरी तरह केमिकल फ्री ऑर्गेनिक तरीके से। कुलदीप सिंह पिछले 10 सालों से अपने 14 एकड़ के खेत में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। हमारी ये मुहिम है कि ऐसे किसानों को आपसे मिलवाया जाए जो ईमानदारी से केमिकल फ्री खेती कर रहे हैं, ताकि इनको एक मार्केट मिले और आपको केमिकल फ्री शुद्ध उत्पाद मिले। और ये हम मुहिम निशुल्क चला रहे हैं और इस मुहिम का बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है, लाखों लोग जुड़ रहे हैं और इसे पसंद भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुलदीप सिंह जी से हम जानेंगे ये कैसे ऑर्गेनिक तरीके से अपने खेतों में उगाते हैं गेहूँ और दूसरी चीज़ें। और जैसे मैंने अचार की बात की, इनका 1 एकड़ का नींबू का बाग है, उस नींबू के जो ऑर्गेनिक है प्रोसेस करके ये अचार तैयार करते हैं, और इस अचार को जो एक बार लेता है जैसा इन्होंने बताया बार बार आता है और इस प्रोसेसिंग से इनका प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो किसानों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए दोनों के लिए फिल्म जरूरी है देखना, क्योंकि इससे दोनों का लाभ होगा, किसान को मार्केट मिल रही है और उपभोक्ता को शुद्ध उत्पाद। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार कुलदीप जी। जी नमस्ते कुलदीप जी। जैसा आपने बताया कि आप 14 एकड़ में गेहूं की और ये दूसरी चीज़ें पैदा करते हैं, तो 10 साल से शुरू की, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था, क्योंकि ज़्यादातर किसान कर नहीं पाते हैं या बीच में छोड़ देते हैं, आपके पीछे मोटिवेशनल वो क्या है? सर जैसे खेती, पिताजी खेती करते थे तो उसी उस हिसाब से पिताजियों ने जैसे हमें मोड़ा कि भाई एक कहना था कि भाई अच्छा करना है, कोई भी काम करें तो वो अच्छे तरीके से करें कि भाई पहचानो। तो हमने जो है ना जी, काफ़ी साल पहले हमने केंचुआ पालना शुरू किया, केंचुआ लेकर के आए, केंचुए की खाद तैयार की, उसका प्रयोग करना शुरू किया, आहिस्ता 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 हमने पूरे खेत में इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया और आज आपके सामने है, आप देख रहे हैं। पिताजियों की माँ की प्रेरणा से हम इस तरफ बढ़े और ऐसे बढ़े कि हमने आज 14 एकड़ में पूरे के पूरे ऑर्गेनिक तरीके से अपना फसल लेना शुरू कर दिया। और जैसे सरसों है, सरसों बेचने की बजाय हम सरसों का तेल निकलवाते हैं, घर पे ही निकलता है। अचार नींबू का बाग है, नींबू बेचने की बजाय अचार बनाते हैं। और ऐसे ही जो भी कोशिश है कि भाई हम इसको प्रोसेसिंग करके दें। तो इस तरह से आप 14 एकड़ में जो चीज़ें उगाते हैं, जैसे देख रहे हैं कि मूंग है, काला गेहूं है दूसरी उसका वैरायटी का, और चना, प्याज और ये सब आपने अपने खेतों में तैयार किए हैं। और कई बार अक्सर किसान कहते हैं कि जी हम कर तो रहे हैं लेकिन वो पैदावार नहीं हो पाती, उसमें दिक्कत आती है, तो आप उसके लिए थोड़ा सा बताएं कि कैसे पैदावार को आपने मेंटेन किया, शुरू से अब तक कैसे बढ़ाया? उसमें सर हमने जैसे पैदावार में शुरुआत में किसान को भी नहीं पता होता कि हम यूरिया DAP की निस्बत हम जैविक तरीके से कितनी फसल को खुराक दें, तो इस कारण से भी थोड़ी सी पैदावार कम होती है। तो इसमें पैदावार के लिए थोड़ा सा एक तो संयम रखना पड़ेगा, शुरुआत में थोड़ी सी कम हो सकती है लेकिन हम प्रयास करते रहें और इसमें पूरी हम मात्रा खाद की हम दें तो पैदावार भी आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल के बाद बढ़ जाती है।
लगातार हम इसको करते रहेंगे, हम इससे पीछे ना हटें, मुड़े ना कि भाई घबराएं ना कि यार पैदावार कम होगी तो इसको छोड़ दें या किसी रसायन का प्रयोग फिर करना शुरू कर दें, इससे ना हटें पीछे हम किसान, इसका ध्यान दें। और उपभोक्ता को भी तभी विश्वास होगा जब हम लगातार उस काम पर उसको करते रहें और जो प्रयोग करेंगे उसके रिजल्ट धीरे धीरे नजर आएंगे, धीरे नजर आते रहेंगे और धीरे धीरे जो है ना हमारी पैदावार बढ़ेगी प्रोडक्ट पे। हाँ, तो आपका उपभोक्ताओं का क्या रिस्पॉन्स है जो ले जाते हैं एक बार और यूज करते हैं? उपभोक्ताओं का ये है जी, जैसे ग्राहक ही बताता है हमें कि आपके प्याज लेके गए, एक 50 किलो के बैग में एक प्याज भी गड़ा नहीं, अच्छा खराब नहीं हुआ, और हमने किसी रिक्शा रेडी वाले से लिए 5 किलो 2.5 किलो उसमें से गड़ गया, 2.5 किलो हमने खाया और आपसे आधा रेट लिया था लेकिन वो 2.5 किलो खराब हो गया तो डबल तो वैसे ही हो गया आपके रेट हो गए, और जो खाया 2.5 किलो वो रासायनिक खाया तो क्या लाभ हुआ? तो इसलिए लोगों एक बार जो आता है तो विश्वास, एक बार जो ले कर जाता है ना जी वो दोबारा मांगता ही रह जाता है कि भाई हमें और दो और दो, ये बोलना पड़ता है कि जी अब ख़त्म हो गया। तो दोस्तों जैसा कुलदीप जी ने बताया कि ये लगातार प्रयास करते रहे ऑर्गेनिक खेती के लिए और धीरे धीरे पैदावार भी बढ़ी और अब इनके खेतों में गेहूं की औसत पैदावार इन्होंने बताया कि 45 से 50 मन यानी कि 20 क्विंटल के आसपास आती है। अक्सर किसान ऑर्गेनिक खेती में गेहूं की इतनी पैदावार नहीं ले पाते लेकिन लगातार मेहनत करने से वो आपका धीरे धीरे उसकी उपजाऊ ताकत जमीन की बढ़ती है और इसी कारण गेहूं इनका अच्छा हो रहा है। ये मैं जो जहां बैठकर इंटरव्यू कर रहा हूं ये दिल्ली में जौंटी एक गाँव है, दिल्ली से जब आप हरियाणा की तरफ आते हैं हरियाणा बॉर्डर से थोड़ा सा पहले, और यहाँ की लोकेशन आपको टिपिकल देखिए पूरा खुला इनका, ये अपने घर पे बैठे हैं, पीछे गाय बंधी हुई है, ये ड्रम इनके देखिए जीवामृत घन जीवामृत के तैयार हैं, यानी कि एक एटमॉस्फेयर नज़र आता है कि ऑर्गेनिक खेती वास्तव में करते हैं और हमने वैसे भी वेरीफाई किया तो ये बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में ये जो प्रोडक्ट हमने आपको इसलिए दिखाया है कि कई बार हमारे पास कमेंट आते हैं कि आप दिल्ली में ऐसे लोगों से मिलवाइए जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं सब्जियाँ उगा रहे हैं, तो कुलदीप सिंह जी सब्जियां तो नहीं उगा रहे लेकिन बाकी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, तो आप इनसे हम नंबर दिया हुआ है आप सीधे संपर्क कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं। आप उपभोक्ताओं से हमारी रिक्वेस्ट है कि खेतों में भी जाएं, किसानों से मिले तो उनका हौसला बढ़ता है और उनको भी एक कॉन्फिडेंस आता है कि देखिए मेरे पास इतने लोग आ रहे हैं और वो इस बात के लिए फिर आगे से ध्यान रखता है कि जब लोग ट्रस्ट कर रहे हैं तो मैं भी ईमानदारी से काम करूँ। तो इसी कड़ी में हम आप इनके और वीडियो भी आपको दिखाएंगे और अधिक जानकारी के लिए आप कुलदीप सिंह जी से बात कर सकते हैं और इनसे जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।